अस्सलाम वालेकुम दोस्तों भाई, कैसे हो आप सब लोग? ठीक ठाक से हो? खैरियत से हो? आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करने वाले हैं भाई मोटोरोला जी स्टाइलिस 5G का। बेसिकली आज के इस वीडियो के अंदर हम इसका पबजी रिव्यू करेंगे। इसका फुल रिव्यू भी आने वाला है, इसके लिए स्टे ट्यून करना। लेकिन पबजी रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस फ़ोन के अंदर आपको 6 GB रैम मिल जाती है, 128 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है और 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। और ये फ़ोन जो है ना आपको 35,000 के बजट के अंदर देखने को मिल रहा है पाकिस्तानी मार्केट के। अगर हम बात करते हैं चले जाते हैं CPU Z के अंदर, देख लेते हैं बाकी चीज़ें। अच्छा, स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर नहीं है इसके अंदर, मैं आपको बता दूं। अगर आप चले जाते हो ना GSM अरीना पे तो 480 का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन, और ये 5G वाला प्रोसेसर है, तो ये CPU Z गलत बता रहा है। बाकी 6 GB रैम मिल जाती है और 6 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, 5000 mAh की बैटरी, 48 MP कैमराज वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो 480 का प्रोसेसर है 5G वाला, देखेंगे ये हम पबजी में कैसा रहेगा अगर आप इस फ़ोन को बाय कर रहे हो इस बजट के अंदर। तो फटाफट से हम चले जाते हैं भाई पबजी स्टार्ट कर लेते हैं और हम देखेंगे बैटरी कैसे रहेगी, 5000 mAh की बैटरी है और 480 का जो स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर है ये कैसा रहता है ओवरऑल ना अगर आप इसके अंदर पबजी खेलते हो। तो 35,000 के बजट में मिलते हैं अगर ये फ़ोन बाय करना चाहते हो। नंबर दे रहा हो स्क्रीन पर, आप मुझसे भी बाय कर सकते हो। आपको जो है ना सिर्फ और सिर्फ 32,000 का देखने को मिलेगा। कितने का? 32,000 का, जी हाँ। और जो है ना इसमें आप डिस्काउंटेड प्राइस में आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर बेसिकली जो है ना पेन भी आते हैं, तो ये पेन वाला मॉडल है, ठीक है। इसका फुल रिव्यू भी आने वाला है, इसके लिए स्टेट्यून कर लेना। अभी हम इसके अंदर खेलेंगे भाई पबजी और देखेंगे इस बजट के अंदर अगर आप पबजी के ले रहे हो इसको तो ये कैसा रहता है पबजी के अंदर। 554 का टाइम हो रहा है, बैटरी परसेंटेज की बात करते हैं तो 45% है। तो अब इसके अंदर फटाफट से हम जो है ना TDM स्टार्ट कर लेते हैं, पहला मैच देखते हैं कैसे रहता है, उसके बाद फिर जो है ना अपना आप लोगों का ओपिनियन शेयर करेंगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ग्राफिक दिखाइए पहले भाई, ये चेक कर सकते हो हमारा पहले जो है ना TDM का मैच स्टार्ट हो गया। तो हम चले जाते हैं सेटिंग के अंदर, ग्राफिक्स एक दफ़ा देख लेते हैं कि किस ग्राफिक्स में जो है ना पबजी हमारा चला रहे हैं। तो HD के साथ हमने हाई पे रखा हुआ है, तो बाकी अब हम खेलते हैं तो फिर पता चलेगा हमें। चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं। फ़ोन की डिस्प्ले जो है ना बड़ी है, तो इसमें जो है ना खेलने में आपको मज़ा भी आता है और IPS LCD वाली डिस्प्ले है, तो ये चीज़ भी है। बाकी पबजी में जो है ना मैं नूब हूँ थोड़ा, तो माइंड मत करना उसको। चलो भाई खेल हो गया पहला और ओवरऑल अब तक तो सही चल रही है गेम और जो है ना नॉर्मल सेटिंग भी सही चल रही है अब तक। ओ भाई मार दिया, शिट। बाकी स्पीकर की जो क्वालिटी है ना वो तो मुझे अच्छी लग रही है अब तक, ओवरऑल स्पीकर तो अच्छा है इसका अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो ना, मल्टीमीडिया देखते हो या कोई भी। भाई बंदा कहाँ है बंदा? ओ भाई ओ कहाँ से मार दिया? ओ भाई मार दिया। मार दिया भाई, भाई कौन अबे अबे हार गए भाई आला मैच। तो हम इसके बाद एक और TDM खेलेंगे फिर देखेंगे कैसी रहती है। फाइनली हार गई ये मैच जो है ना, तकरीबन 3 किल की है इसके अंदर। और जो है ना आप मैच को देखा करो, मुझे नहीं देखा करो क्योंकि मैं तो नूब हूँ, ठीक है। बाकी बैटरी की बात करें तो 44% है और टाइम जो हो रहा है ना 6:01 हो रहा है। तो बैटरी रिजल्ट्स भी दिखा रहा हूँ, ओवरऑल बैटरी इसकी सही रही है, 5000 mAh की बैटरी है, तो उस हिसाब से इसकी बैटरी सही रही है। बाकी हम जो है ना ग्राफिक्स में चले जाते हैं, अल्ट्रा के अंदर अब हम खेल लेते हैं, ठीक है, स्मूथ के साथ, और यहाँ से कलरफुल खेल लेते हैं और फिर जो है ना इसके अंदर हम एक और TDM स्टार्ट करते हैं। बाकी फ़ोन की बात कर ली जाए
तो इतना कोई हीटअप वगैरह फ़ोन बिल्कुल भी नहीं हुआ ना, मतलब हल्का फुल्का सा वॉर्म भी नहीं हो रहा। बाकी ये जो है ना परफॉर्मेंस भी सही रही है, कोई लैग वगैरह भी इसके अंदर नहीं आया, तो ये बात मुझे अच्छी लगी है इस फ़ोन की। और ओवरऑल बैटरी भी अब तक सही है। बाकी असल जो है ना जो उसके अंदर हम रेंगल खेलेंगे तो फिर उसके अंदर परफॉर्मेंस का पता चलेगा हमें इस फ़ोन की। ओवरऑल जो है ना इसके अंदर कोई लैग वगैरह नहीं आया, मैंने ये चीज़ इसमें नोट करी है। प्रोसेसर मिड रेंज वाला है, इसके अंदर हेवी गेमिंग नहीं होगी इतना मैं आपको बता दूँ। ऊपर से आवाज़ मैं बंद कर लेता हूँ ताकि जो है ना बेहतर तरीके से हम खेल पाए। तो ये देखो हमने मार दिया बंदा पहला भाई। मार दिया हमने। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अब गेम में नहीं खेल रहा मेरा कज़न है, उसको मैंने बिठा दिया, उससे तो बेहतर ही खेल लेता वो गेम, क्योंकि मैं फुल नूब हूँ। कोशिश करेगी अला मैं जीत गया हम लोग। तो मार दिया हमने। इंशाल्लाह यार जीत जाएंगे यार मैच, कोशिश तो पूरी है बेहतरीन। बेहतरीन भाई, जिता दोगे ना वाला मैच इंशाल्लाह, जिता दोगे ना यार, जीत जाएंगे, टेंशन नहीं लो। चलो चलो कह दिए भाई इसने जिता देंगे ये मैच। अब इसके बाद रंगल भी खेलेंगे, रंगल में देखेंगे कैसा रहता है। मुकाबला तकरीबन 50-50 चल रहा है, उम्मीद है कि जीत जाए भाई। बेहतरीन बेहतरीन भाई, दो किल करने बस, दो किल करने उसके बाद। सर सर आप भी तो ठीक है सर। यही है बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, चलो मैच जीत जाएगा भाई। मेरे जीत गए जीत गए जीत गए भाई, आपने मैच जिताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने मैच जिता दिया हमें। अच्छा आप थोड़ा सा आप फीडबैक दोगे कि उसमें लैग वगैरह आया या थोड़ा हीट वगैरह कर रही, डिवाइस की नहीं कर रही? बिल्कुल भी हीट नहीं कर रही और लैग वगैरह भी कोई नहीं आया है, खेलने में मज़ा आ रहा है। और अच्छा अब तक सही है ना, बैटरी भी हम देख ले 38 है बैटरी, और जो है ना 6:31 हो रहे। तो बैटरी रिजल्ट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब फाइनली इरेंगल की बारी है, और इरेंगल खेलेगा असल परफॉर्मेंस जो है ना इरेंगल में पता चलती है। आपको पता है इरेंगल अब आप खेलोगे ना इसके अंदर, फिर आपको पता चल जाएगा कि लैग आ रहा है कि नहीं आ रहा। खेलना तो नहीं आता है लेकिन कोशिश कर लो, मुझसे बेहतर खेले तो इसलिए मैंने आपको बिठाया, क्योंकि मैंने पहला मैच खेला और मैं बहुत नूब की तरह खेल रहा था। तो अब इसके अंदर हम इरेंगल स्टार्ट कर लेते हैं, इरेंगल में हमें पता चलेगी इस फोन की जो है ना असल परफॉर्मेंस। इरेंगल का मैच जो है ना ठीक है सिस्टम भाई, इरेंगल का जो मैच है ना हमारा वो भी अब स्टार्ट हो गया। तो जो है ना पता नहीं नई नई चीज़ें देखने को मिल रही पबजी के अंदर भाई, अपडेट के बाद ग्राफिक्स देखो बड़े इम्प्रूव हुए यार पबजी के। बाकी जो है ना अब हम खेलते हैं असल इरेंगल में, परफॉर्मेंस का असल जो पता है ना इरेंगल में ही चलता है। बाकी ये कोई गेमिंग डिवाइस नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मल अगर आप गेमिंग करते हो तो आपकी सही चलेगी, 35,000 के बजट में मिलता है तो उस हिसाब से सही है।
बाकी ग्राफिक्स हम चेंज कर लेते हैं यहाँ से जाके, चले जाते हैं सेटिंग्स के अंदर, ठीक है, और जाते हैं कि भाई ग्राफिक्स के अंदर एच डी के साथ अल्ट्रा पे कर लेते हैं, ठीक है, नहीं हो रहा है। अच्छा अल्ट्रा के साथ सिर्फ उस पर चल रहा है, बैलेंस पे चल रहा है, हाई के साथ कर लेते हैं ना, हाई के साथ अपन एच डी पे कर लेते हैं, ये भी नहीं हो रहा, तो ये ग्राफिक्स अवेलेबल ही नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था, असल परफॉर्मेंस इसमें ही पता चलेगी, तो हम अल्ट्रा के साथ स्मूथ पे खेलते हैं। मैंने आपको बताया था मिड रेंज वाला एक प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 4 सीरीज का, तो आप इसमें कोई हेवी गेमिंग नहीं कर सकते, और अभी असल में इसका जो है ना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कैसे रहेगा रेंगल के अंदर। तो चलो अब हम जो है ना स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़े से ग्राफिक्स यहाँ से दिखाते हैं, कोई लैग तो नहीं आ रहा इसके अंदर, नहीं कोई लैग नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। बाकी जो है ना हमारे पबजी प्लेयर बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो वो हमें बताते जाएंगे कि कैसी चल रही है गेमिंग, ठीक है ना भाई? जी जी, मैं आपको समझाता जाऊंगा कि कैसी चल रही है गेमिंग इंशाल्लाह। भाई कमेंट सेक्शन में बताओ अगर उनका मैच अच्छा लगा ना आपको, तो फिर यही गेम खेला करेगा हमारे चैनल पे, ठीक है ना भाई? जरूर जरूर भाई, मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूँ भाई, प्रो तो बनना है ना, बल्ले हो ना हो, फुल लैग तो नहीं है इसमें, देखो आ गया भाई, आ गया, ये हम पता नहीं काम कर गए। उधर से साथ ही हमारे प्लेयर जो है ना वो मर गया। फॉर्म अप ऑन मी, थैंक यू, लेट्स गो। अच्छा एक चीज़ यह है कि स्पीकर की जो क्वालिटी है ना वो अच्छी है इसकी, बाकी फ़ोन जो है ना डिस्प्ले बड़ा है तो उसमें आपको यह मज़ा आता है, लेकिन आपको फिर बता रहा हूँ कि हैवी गेमिंग के लिए नहीं है, लेकिन डिस्टेंट अगर गेमिंग करनी है तो फिर सही है। इसी रेंज में कहते हैं मोटोला का 15G, अगर मोटोला के फ़ोन की अगर हम बात करते हैं तो उसका प्रोसेसर इससे बेहतर है, इसके अंदर मिड रेंज वाला प्रोसेसर है अक्सर जो है ना, ये आपको बताते नहीं है कोई दुकान वाला या जैसे नॉर्मली जो है ना आपको प्रोसेसर के बारे में नहीं बताते, क्योंकि प्रोसेसर इसके अंदर जो है ना कम सीरीज़ का लगा हुआ है, 4 सीरीज़ का लगा हुआ है, 5G वाला प्रोसेसर है, लेकिन ये है इसके अंदर। अच्छा ग्राफिक्स यहाँ से मैंने चेंज किया, मैक्सिमम ये जो है ना बैलेंस के साथ अल्ट्रा सेटिंग्स में चल रहा है, तो इसके अंदर हम खेल लेते ताकि हमें मैक्सिमम पता चल सके। बाकी ग्राफिक्स जो है ना इसके इतने कोई ख़ास नहीं आ रहे, इस मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो है ना एक मिड रेंज वाला फ़ोन है। भाई हल्का फुल्का सा जो है ना गेम हल्की सी बिल्कुल लैग हो रही है, तो ये चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, बाकी हद तक हीट का तो कोई सीन नहीं है, लेकिन हम मज़े खेलते देखते हैं कि कैसे रहते। बाइक मिल गई हमें, चलते बाइक के अंदर। अच्छा स्पीकर नीचे वाले साइड में मिल जाते तो स्पीकर और मुझे अच्छा लगा इसका ना। एक बंदा आ रहा है आप अभी, पता नहीं बोट है या कौन है। वो बंदे आ गए भाई, काम से गए, वो काम से गए भाई, काम से गए, देखा मार दिया भाई। ये बंदा तो नूबू, मैंने आपको पहले ही बताया था ये आ गए
मार दिया इन्होंने, फाइनली काम तमाम कर दिया हमारा। यहाँ पर एंड कर लेते हैं, इसके अंदर हमने एक रैंकर खेला और जो है ना दो TDM खेले, तो ओवरऑल जो इसकी परफॉर्मेंस रही है ना वो तो सही रही है, लेकिन आप अगर सिर्फ गेमिंग गियर ले रहे हो तो फिर आप नहीं लेना है इसको, थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है तो फिर आपको इतने मसले नहीं देगा, ठीक है भाई। 5000 mAh की बैटरी है तो वो बैटरी भी अच्छी रही है। अगर हम बात कर लेना इसकी फाइनली, तो नॉर्मल गेमिंग के लिए अगर आप देखते हो तो ये सही है फ़ोन, हेवी गेमिंग के लिए जो है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। थोड़ा बहुत अगर गेमिंग करते हो इस फोन का, परचेज करते हो इस प्राइस के अंदर तो आपकी सही रहेगी, इतना ये तंग नहीं करता फोन, लेकिन सिर्फ गेमिंग के लिए अच्छा नहीं है, 35,000 के बजट में मिलता है। बाकी जो है ना बैटरी की बात कर ली जाए तो आप लोग देख सकते हो इसकी बैटरी जो है ना 34% है और 649 हो रही है, तो रिजल्ट्स मैं आपको स्क्रीन पे शो करा रहा हूँ। बाकी कोई सवाल वगैरह हो इस फोन के रिलेटेड तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो के यहाँ पर एंड कर लेते हैं, इसका फुल रिव्यू भी आने वाला है तो उसके लिए स्टे ट्यून कर लेना, ठीक है भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।